घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैनपुरी म्यूजिक स्कूल, उत्तर प्रदेश। अगर आप चाहते हैं पंडित अवध किशोर पांडे, SPW के फाउंडर डायरेक्टर से म्यूजिक सीखना, उनके पास बैठकर क्लास लेना, तो अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबर्स पर और जानिए कि क्या है एडमिशन प्रोसेस। व्हाट्सएप क्लास भी अवेलेबल है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। सत्य है और कटु सत्य है जो इतनी आसानी से हर किसी को हजम नहीं होता है, वो वाली बात मैं बताने जा रहा हूँ। उसको ध्यान से सुनिए, समझिए और हो सके तो अपने जीवन में उतारिए। एक श्लोक था, बचपन में हम पढ़ा करते थे किताब में, न चौर हार्यम न च राज हार्यम न च भ्रातृ भाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। सीधा अर्थ पहले बता देता हूं कि विद्या रूपी धन को कोई चुरा नहीं सकता है, राजा ले नहीं सकता, भाइयों से इसका बंटवारा नहीं होता है और उसका भार भी नहीं लगता है, मतलब वो बोझ नहीं लगती है और खर्च करने से बढ़ता है। सचमुच विद्या धन, विद्या रूपी जो धन है वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है विद्या रूपी धन। इसको कोई तुमसे ले नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, राजा भी इसका हरण नहीं कर सकते और न भाइयों में इसका बंटवारा हो सकता है। जब इसमें इतने सारे गुण हैं कि इसका कुछ हो ही नहीं सकता, कहीं कोई बेच भी नहीं सकता है, कोई खरीद भी नहीं सकता होगा, तो ये ऐसा ज्ञान जो है, इस तरह की बात है, इस तरह की चीज है कि ना इसको कोई खरीद सकता है ना इसको कोई बेच सकता है, क्योंकि जब इसको कोई चुरा ही नहीं सकता तो ये कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जो आप बाजार से ले आएंगे और खरीद के रख लेंगे। और जो विद्यार्थी ये समझते हैं कि मैं खरीद लूंगा या मैंने फीस दी है तो उसको वसूलना है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अभ्यास ही एक आपके पास हथियार है और वो अभ्यास अगर आप करेंगे तभी आपको ये प्राप्त होगा। ये कटु सत्य है, पैसा दे देने से नहीं होगा। दूसरी बात, जिससे आप प्राप्त कर रहे हैं उसके सामने आपको नतमस्तक होना पड़ेगा, ये इसकी कीमत है। उन पर विश्वास करना होगा, यही इसकी लागत है। आर्थिक जो पैसा है, जो धन है, इधर उधर जो आप देख रहे हैं 2500 प्रकार की माया, इसको नहीं खरीद सकती। ज्ञान खरीदा जा ही नहीं सकता जब इसको बांटा नहीं जा सकता है तो, और ना बेचा जा सकता है। ये तो किसी के सानिध्य में होकर के प्राप्त किया जा सकता है, केवल केवल प्राप्त करने की चीज है ये, ना खरीदने की है, ना बेचने की है, ना बांटने की है। हाँ, लास्ट में ये जरूर कहा है कि व्यय कृते वर्धते, कि इसको जितना ज्यादा खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। ये ऐसा अपूर्व खजाना है, अपूर्व कोशो विद्यते तव भारती, कि हे माँ सरस्वती, तुम्हारा ये कौन सा ऐसा खजाना है जो व्यय कृते वर्धते, जो खर्च करने पर बढ़ जाता है और इकट्ठा रखने से, छुपा के रखने से घट जाता है, खत्म हो जाता है। ये और एक श्लोक था। तो ये सब बातें शास्त्रगत हैं और अनुभव के तहत हैं, जिन जिन ने लिखी होंगी संस्कृत में, हिंदी में, इस तरह के जो डायलॉग्स हैं वो लिखे गए हैं, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे होंगे, बचपन में किताबों में पढ़ा होगा, नहीं तो अभी किसी न किसी कहीं प्रवचन सुनने का मौका मिल गया तो वहाँ भी ऐसी कुछ बातें बता देते हैं। तो मैं ये बात संगीत के ज्ञान के लिए कह रहा हूँ, ये आप समझ रहे होंगे क्योंकि मेरा काम संगीत ही सिखाना है और संगीत के ज्ञान को बांटना है। अब रही बात पैसे की, तो पैसा हमें क्यों चाहिए?
क्योंकि हम सारे दिन यही करते रहे, अगर हम मुफ्त में इस ज्ञान को बांटते रहे तो क्या खाएंगे, ये सवाल हर किसी के साथ है। तो ये आधुनिक संसार की आवश्यकता है, इसलिए धन दिया जाता है और धन लिया जाता है आवश्यकता के अनुसार। अगर आप ये सोचें कि हमने ये जो दिया है उसके बदले में आप कुछ सिखाएंगे, ये हो ही नहीं सकता है। हम सिखाएंगे आपकी विनम्रता, आपकी सुशीलता, आपकी प्राप्त करने की इच्छा, ये सब बातें देख करके ही हम आपको कुछ दे पाएंगे। कोरा कागज होना चाहिए आपके पास, पूर्व रूप अगर कुछ ज्ञान है उसको साइड में हटाना पड़ेगा, तभी आप उसमें कुछ भर सकते हैं। आपको यह भरोसा रखना होगा कि हम जो कह रहे हैं वही सच है इस विषय के लिए, तभी आपको सीखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका कुछ नहीं हो सकता है। ये कटु सत्य है, बहुत कड़वा, लोगों को बुरा लग सकता है, इतना कड़वा है गले के नीचे नहीं उतरेगा। अहम को दूर रख करके बैठना होगा तभी आपको सीखने को मिलेगा। अहंकार को हटाना होगा, अभिमान को तोड़ना होगा, तभी आप कुछ प्राप्त कर पाएंगे। प्राप्त करने के लिए हाथों को फैलाना होगा, तभी आप प्राप्त कर पाएंगे। हाथ अगर बगल में देके बैठे हैं कुछ नहीं मिलेगा, हाथों को सामने फैला रखा है कोई ना कोई रख देगा कुछ ना कुछ। तो मन से अपने हाथों को फैलाना है, झोली को फैलाना है, तभी प्राप्त किया जा सकता है ये विद्या रूपी धन। ये संगीत की विद्या है, ये करने की विद्या है, अभ्यास की विद्या है। अभ्यास नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए हम बार बार एक ही सेंटेंस इधर उधर घुमाते हैं अलग अलग तरीकों से, उठो जागो और रियाज करो, बस रियाज करो, रियाज रियाज रियाज। हर सवाल का एक ही जवाब, रियाज रियाज रियाज। संगीत से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर आपके मन में उठता है और आप हमसे पूछना चाहते हैं तो उसका एक ही जवाब है, अभ्यास कीजिए। आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है, अभ्यास की वजह से लग रही है। आपको कुछ लग रहा है कि मेरा सुर यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है, अभ्यास की वजह से ठीक नहीं लग रहा है। तो जितना अभ्यास करोगे, सुनने की वजह से नहीं लग रहा है, सुनोगे, अभ्यास करोगे, सुनोगे, देखोगे, समझोगे, फिर बोलोगे और अभ्यास करोगे ही करोगे, तभी होगा, वरना कुछ नहीं हो सकता है। जय हो।